क्रॉप और प्रोडक्शन और इसका मैनेजमेंट। दोस्तों आपने पढ़ा होगा छठी सातवीं क्लास में फसल के बारे में और उसके उत्पादन के बारे में, तो वही आगे चल करके अब आपको पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में जाना है। तो स्टार्ट कर देते हैं आठवीं क्लास में। साइंस का लेसन नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए जो क्रॉप होती है उसको क्या बोलते हैं, फसल। फसल बोलते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन। हम कैसे उसको उत्पन्न करते हैं, किसको, फसल को, और उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट बोले तो प्रबंधन कैसे करते हैं, उसको कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसका स्टोर कैसे करते हैं, वो सारा का सारा मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो एनसीईआरटी जो बुक है आठवीं क्लास की, उसमें लेसन नंबर 1 में और जो दो पात्र दिए गए हैं उनके बारे में भी आपस में डिस्कस करते हैं, पहेली और भोजो। आप इनसे रूबरी होंगे, ये पहेली और भोजो छठी सातवीं क्लास में भी आपको देखने को मिले थे, दोनों के दोनों ये आपस में डिस्कस करते हैं, कोई भी टॉपिक मिल जाता उसी पे। तो दोस्तों इन्होंने पहेली और भोजो ने क्या किया, अपने अंकल के घर चले गए और जो अंकल था उसका फार्मर था दोस्तों, वहां पे उन्होंने क्रॉप के बारे में बहुत कुछ सीखा जो आपने एनसीईआरटी साइंस में पढ़ा होगा। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले क्या सीखा, देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बोले तो कृषि का प्रयास। कृषि जो है उसको कैसे बोते हैं, ठीक है, कैसे उसकी उपज करते हैं, कैसे उसको उत्पादन करते हैं, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो नाम है आपको दिखाई दे रहा है वर्ड क्रॉप। क्रॉप होती क्या, सबसे पहले ये देखेंगे फसल होती क्या। देखिए विहन प्लांट्स सेम काइंड आर ग्राउंड एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। जी हाँ दोस्तों, फसल किसे कहते हैं, जब हम एक ही प्रकार का पौधे को उगा देते हैं धरती में, ठीक है, और उसको कल्टिवेटेड करते हैं एक स्थान से और एक लार्ज स्केल बहुत ज्यादा मात्रा में उगा देते हैं एक ही प्रकार का, ठीक है, क्या सेम काइंड, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है उसके फसल कहते हैं। फसल होती क्या, ये तो थी परिभाषा, यदि परिभाषा आ जाए डेफिनेशन पूछ ले क्रॉप, डिफाइन क्रॉप्स, तो क्रॉप्स के बारे में बताएंगे। विहन प्लांट सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। दोस्तों क्रॉप का एग्जाम्पल देखते हैं हम, और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं क्रॉप की। जो क्रॉप का एग्जाम्पल है वो देखिए आप वीट है, गेहूं की जब हमने किसी फील्ड में खेत की बुआई कर दी, ठीक है ना, तो वो खेत की जो फसल है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप ऑफ वीट, ठीक है, गेहूं की बुआई, ठीक है, गेहूं की फसल, ठीक है। क्रॉप्स जो है दो तरह की होती है, मेनली टू टाइप की होती है क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, बोले तो खरीफ की फसल और रबी की फसल। जी हाँ दोस्तों, रबी की और खरीफ की फसल पेपर में अक्सर पूछ लेता है ये, ठीक है। देखिए खरीफ फसल क्या होती है, सबसे पहले खरीफ फसल के बारे में पढ़ेंगे। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ये कह रहा है दोस्तों जो फसल होती है वो उगाई जाती है कब, कब, रेनी सीजन, कब उगाई जाती है, रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, खरीफ फसल बोलते हैं, ठीक है। जो ये कब उगाई जाती है, रेनी सीजन कब से आता है, अब जून चल रहा है, कोई दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी क्या बारिश, इससे पहले एक दो दिन पहले, मतलब 10-15 दिन पहले इसको उगा दिया जाता है जिससे इसको फसल को पानी मिल जाए। जून से लेकर के सेप्टेम्बर तक कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों, खरीफ की फसल उगाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल दे दिए इसमें, पेड़ी धान की बात कर लेते हैं, मक्का की बात कर लेते हैं, सोयाबीन की बात कर लेते हैं, और मूंगफली की बात कर लेते हैं, और कपास की बात कर लेते हैं। पेड़ी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, दिस इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। अब बात कर लेते हैं रबी क्रॉप्स की। देखिए दोस्तों रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। द क्रॉप्स ग्राउंड इन द विंटर सीजन,
ये जो रबी की जो फसल है वो कब उगाई जाती है? सर्दी में, सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कब होता है? सर्दी कब शुरू हो जाती है? अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के बीच में इसकी बुआई की जाती है और कटाई की जाती है। किसकी? रबी की फसल की। कुछ एग्जाम्पल है, गेहूं लगा लीजिए, ग्राम चना लगा लीजिए और मटर और इत्यादि, ठीक है, ईटीसी। ठीक है दोस्तों, ये थी रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। यदि आपको कोई पेपर में पूछ लेता है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे रबी है और जो खरीफ है, दो फसल है दोस्तों। आप पूछ लेगा चना जो है वो कौन सी फसल है, चना की बात करते हैं। तो दोस्तों मेरे लिए आप याद रखना, जो दो अक्षर है ना जिसमें दो वर्ड आते हैं वो रबी होती है, जिसमें तीन वर्ड आते हैं वो खरीफ होते हैं। जैसे चावल है, ठीक है, बाजरा है। दोस्तों ये कुछ इसके एक्सेप्शन भी, अपवाद भी हैं, तो मेनली आपसे याद कर सकते हो, ठीक है। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स समझूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और एक दोस्तों ये फसल जो होती है, तीसरी फसल की बात कर लेते हैं। मैंने तो दो तरह की होती है, रबी और खरीफ। तीसरी कौन सी होती है? जायद क्रॉप्स बोलते हैं जिसको। समर में उगाई जाती है, आपने देखा होगा तरबूज है, ककड़ी है, वो सारी की सारी क्या है? जायद फसल है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ेंगे दोस्तों इससे आगे नेक्स्ट कंटेंट हमारा क्या है, इसी चैप्टर में बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे फसल की, इसका उत्पादन कैसे करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, किसका? क्रॉप्स का। तो कुछ गुणधर्म है फसल के, ठीक है, उनके उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। तो वे पढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करेंगे, ठीक है ना, मिट्टी को क्या करेंगे? तैयार करेंगे, ठीक है, किसके लिए? बिजाई करने के लिए, भी कुछ उगाने के लिए प्रिपरेशन करेंगे सबसे पहले, किसकी? मिट्टी की। फिर क्या करेंगे? सोविंग करेंगे, उगाएंगे, उसके अंदर बुआई कराएंगे। फिर एडिंग करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक उसके अंदर, फसल के अंदर क्या करेंगे? डाल देंगे। और तीसरा जो क्या है? और इरिगेशन, सिंचाई तो समय पर करनी ही पड़ेगी दोस्तों, इरिगेशन, ठीक है। और लास्ट का जो फाइव है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवारों से उसको बचाएंगे। और बाद में क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? कटाई कर करके उसको स्टोरेज करेंगे फसल को, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। इससे आगे एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्रॉप क्या होती है? जब कोई भी प्लांट सेम काइंड ऑफ ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस टू ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप दो प्रकार की होती है, एक तो रबी की और एक खरीफ की। खरीफ की फसल वो फसल होती है जो उगाई जाती है कब? रेनी सीजन में। उसे क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। रेनी सीजन कब होता है? जून से लेकर के सितंबर होता है। एग्जाम्पल इसका धान है, मक्का है, सोयाबीन और ग्राउंडनट और मूंगफली और कॉटन है, ठीक है। और रबी की फसल की बात कर लेते हैं, ये कब उगाई जाती है? सर्दी में उगाई जाती है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कब होता है? अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का होता है। एग्जाम्पल भी इसका ग्राम है, पी है, ईडीसी है। और तीसरी फसल जायद की बात कर लेते हैं, ये समर में उगाई जाती है। इसको बोलते हैं वाटर लेमन, जैसे तरबूजा, ककड़ी है, ये सारी की सारी जायद फसल में आती है। और कुछ प्रॉपर्टी थी क्रॉप प्रोडक्शन की, कैसे उसको मिट्टी को बनाते हैं, सोयल कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मिट्टी का सोविंग कैसे करते हैं, मेन्यूर और फर्टिलाइजर कब डालते हैं, इरिगेशन किस टाइम करते हैं, प्रोटेक्टिंग कैसे करते हैं वीड से, और हार्वेस्टिंग कब करते हैं, और स्टोरेज कब कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपना राय जरूर बताना कि आपको कैसे लगी वीडियो। और दोस्तों शेयर करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।